जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में नवरात्रि के दौरान मुसलमानों ने एकता और सद्भाव की मिसाल कायम की। मुस्लिम परिवार ने हिंदू भक्तों के लिए फूलों की माला बनाई और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश भर में धूमधाम के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में भी नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान से माता की पूजा करने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। त्योहारों में जहां देवी देवताओं की भक्ति की जाती है, तो वहीं इस विशेष वक्त पर लोग आपसी कलह भूल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी ही तस्वीर उधमपुर से सामने आई है। कटरा के रियासी जिले के छोटे से गांव पैंथल का रहने वाला एक मुस्लिम परिवार प्रेम और शांति के बीच बो रहा है। मेरा नाम तो टाइगर फ्लावर है, रहने वाले हम कटरा के हैं। कम से कम 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा अच्छा कारोबार है ये फूल का, और कई दादा परदादा से चल रहा है हमारा फ्लावर का काम, अच्छा काम है। तो इसके लिए आज नवरात्रा है, इसके लिए ये हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा फ्लावर का काम है, इसी से रोजी रोटी चलती है। कई दिनों से सोचते हैं कब आए तो हमारा काम चले, आपस में भाईचारा रहता है। जब भी कोई त्यौहार आए ना, तो इसे हमारा बहुत खुशी खुशी की बात होती है। यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम की बात ही ना, आपस में भाईचारा हमसे, जब इतनी खुशी से जहाँ 25 साल से काम कर रहे, तो तभी भाईचारा है, तभी तो कर रहे काम। जब कोई त्यौहार आए तो हिंदू भाई अपने जितने भी भाई हैं, हमें को मिठाई का डब्बा दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, इकट्ठे होकर बनाते हैं, वो भी खुश होते हैं हमारे पे ये फ्लावर का काम कर रहे हैं मुस्लिम। मैं यही रब से दुआ करता हूँ, ऐसा ही हमारा काम चलता रहे, आपस में भाईचारा रहे और कायम और कायम रहे। पिछले कई सालों से ये लोग हिंदू त्योहारों के लिए फूल और माला बनाकर बेच रहे हैं। इससे न केवल इनकी रोजी रोटी चल रही है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी ये लोग बने हुए हैं। हिंदू भी पूरे आदर और सम्मान के साथ इन मुस्लिम भाइयों से फूल खरीद रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी मिसाल पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।